आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम का नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो भाई क्या कह रहा है, रूट टू की वैल्यू दे रखी है, रूट थ्री की वैल्यू दे रखी है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ इतना और इतना, ठीक है ना। अब देखो भाई रूट थ्री की वैल्यू हमें ये जो वैल्यू दे रखी है उनकी वैल्यूज का क्या करना है, ये डिनोमिनेटर देखो मिलता जुलता सा है तो हम क्या करेंगे इनका एलसीएम ले लेंगे, ना कि रैशनलाइज करेंगे। एलसीएम ले लिया हमने, रैशनलाइजेशन से बचेंगे हम, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है क्या लग सकता है, ए माइनस बी ए प्लस बी, अब इसको भाई इस पूरे को डिवाइड करेंगे, इस पूरे को डिवाइड करेंगे इससे, तो क्या ये कैंसिल आउट हो जाएगा जो सेम सेम होते हैं, और यही बच जाएगा यहाँ पे प्लस है, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम लिख देंगे अब इस पूरे को फिर दोबारा डिवाइड करेंगे इससे, इससे डिवाइड करेंगे तो बचेगा क्या, ये बचेगा, ठीक है। अब भाई प्रोडक्ट करते हैं, अब हमने क्या करा प्रोडक्ट करा, ये कितना हो जाएगा 12 रूट थ्री, इससे मल्टीप्लाई हुआ, अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 रूट टू, अब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 9 रूट थ्री, और इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 6 रूट टू। अब नीचे वाले में भाई, नीचे वाले में a माइनस बी ए प्लस बी, ये क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये तो होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखते हैं भाई इसमें क्या करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो रहा है जब, तो करते हैं इसको 3 रूट 3 का स्क्वायर माइनस 2 रूट 2 का स्क्वायर। देखो भाई लाइक टर्म वाले को हम प्लस माइनस करेंगे, मैथमेटिकल ऑपरेशन कर देंगे भाई, लाइक टर्म वाला कौन सा है, रूट थ्री किसमें है, इसमें है, और रूट थ्री इसमें है, तो ये प्लस होके क्या हो जाएगा, प्लस होके क्योंकि भाई प्लस प्लस है तो प्लस होके हो जाएगा ये 21 रूट थ्री, और ये भाई लाइक टर्म है लेकिन यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है तो माइनस हो जाएगा माइनस 2 रूट टू। और यहाँ पे देखो भाई अगर थ्री का है, दूसरे कलर से मैं इसको समझाता हूँ, थ्री का भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर, ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 3, 27 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 का स्क्वायर, यहाँ 4 8, ये हो गया 21, ये क्या हो गया 21। एक बार फिर से रीचेक कर लेता हूँ मैं मल्टीप्लाई वगैरह को, बिल्कुल सारा ठीक है ओके। यहाँ पे क्या आ गया 19 आएगा, 21 नहीं आएगा, क्या आएगा माइनस करने पे, देख लो बहुत सारी चीज़ों पे दिमाग रहता है इस टाइम में, तो ये कितना आया 19 आया, 21 रूट ये आ गया हमारा। तो हम इसकी जगह पे पहले रफ वर्क को इरेज कर देता हूँ मैं, ये जो रफ वर्क मैंने करा है इन सारी चीज़ों को इरेज कर देता हूँ मैं, यहाँ 2 था भाई, यहाँ पे 2 है। अब देखो भाई 21
इनटू व्हाट, रूट थ्री की वैल्यू अब रख दो यहाँ पे, रूट थ्री की वैल्यू ये माइनस अब रूट टू की इनटू 1.414 अपॉन में 19। अब देखो भाई, अब हम यहाँ पे कैलकुलेटर का यूज़ कर लेंगे। मैं कैलकुलेटर का यूज़ कर रहा हूँ भाई, कितना है 21 इंटू, भाई आप सब नॉर्मल मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे मुझे रिकॉर्डिंग करनी है, टाइम लग जाएगा, इस वजह से मैंने ये कर दिया। तो यहाँ पे क्या आया, 36 36 मिनट, कैलसी एक बार फिर से ओपन, कैलसी में 36.37.2 36.37.2 यार मल्टीप्लाई कर लूँ इतना क्यों, क्या ये देख रहा हूँ इसके चक्कर में। देखो भाई इससे मल्टीप्लाई करूँगा, 8.28.2 माइनस करो भाई सीधा। अब इतने में से यहाँ पे माइनस कर लेते हैं, 8.28 माइनस करा, ये हो गया 12.4, यहाँ पे हुआ 6.4, 13 में से 8.5 यहाँ बच गया, 5.3 आंसर, ठीक है। अब या इसको डेसिमल को कन्वर्ट कर दो फ्रैक्शन में, फिर उसके बाद आगे आंसर दे दो, ठीक है। यहाँ तक भी आंसर लिख सकते हो, आ गया हुई। अगले क्वेश्चन में, इफ एक्स इक्वल्स टू इतना है, वाई इक्वल्स टू इतना है, तो देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। हमें क्या करना है, एक्स का सबसे पहले हमें एक्स की वैल्यू लिख लेनी है, एक्स की वैल्यू लिख लिया हमने, इसको रेसलाइज कर दो, क्या करेंगे रेसलाइज कर देंगे भाई, रेसलाइज करो इसको, ये कट हो गया यहाँ पे, ठीक कर दे तुम्हें, रूट थ्री प्लस रूट टू, रूट थ्री प्लस रूट टू। अब देखो भाई ऊपर हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि भाई सेम सेम है, a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, रूट थ्री प्लस रूट टू, और इसका यहाँ पे हो जाएगा a के स्क्वायर इस वाले पे, क्योंकि भाई a प्लस बी है, a माइनस बी है, तो इसका आएगा भाई 3-2, और ऊपर हो जाएगा इसका स्क्वायर a का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है ना। अब यहाँ पे हो जाएगा x की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू आएगी 3, 2, यहाँ पे हो जाएगा 2, 6, 1 है, 5, 2, 6 ये आंसर, ठीक है। अब y का देख लो भाई, y वाले में रूट थ्री माइनस टू माइनस रूट टू, थ्री प्लस रूट टू, देखो भाई यहाँ पर हो जाएगा a के स्क्वायर नीचे वाले में a प्लस बी a माइनस बी, तो a के स्क्वायर मतलब रूट थ्री का स्क्वायर माइनस रूट टू का स्क्वायर, यहाँ पे a माइनस
बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो इसका भी स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, ए का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, ये हो जाएगा थ्री प्लस टू माइनस सिक्स और थ्री माइनस टू, तो ये हो जाएगा फाइव टू सिक्स अपॉन में वन। इसका मतलब यही हो गया, सेम ही रहने दो। देखो भाई इनका स्क्वायर करना है, अब इन दोनों का स्क्वायर रखना है हमें, है ना, इन दोनों का एक्स का स्क्वायर और वाई का स्क्वायर रखना है। अब हम यहाँ पे एक्स का स्क्वायर निकाल लेते हैं, एक्स का स्क्वायर, तो एक्स का स्क्वायर फाइव प्लस टू रूट सिक्स, यही है ना, यही है भाई, फाइव प्लस टू रूट सिक्स यही है। हम इसका होल स्क्वायर कर लेते हैं, फाइव का स्क्वायर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस टू ए बी, यही होगा। अब वाई का स्क्वायर कर लो, फिर प्लस कर देना है, फाइव माइनस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर माइनस टू फाइव। देखो भाई यहाँ पे हम लिख देते हैं इसी बात को, हम समझते हैं ये कितना हो जाएगा पच्चीस और ये कितना हो जाएगा दो की पावर दो स्क्वायर हो जाएगा, तो चार और छः चौबीस, और यहाँ पे हो जाएगा टेन टेन ट्वेंटी ट्वेंटी रूट सिक्स, यहाँ पे भी ऐसे ही होगा पच्चीस प्लस चौबीस हमें निकालना क्या था, हमें निकालना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब हम यहाँ पे रख देते हैं इनकी वैल्यूज, पच्चीस प्लस चौबीस बाई स्क्वायर की तो वैल्यू है ये ट्वेंटी रूट सिक्स, पच्चीस प्लस चौबीस माइनस ट्वेंटी रूट, ये हो गया कैंसिल आउट, पच्चीस पच्चीस पचास हो गए और चौबीस चौबीस अड़तालीस हो गए, ये हो गए अट्ठानवे। ठीक है, समझ में आया। सबसे पहले हमने x की वैल्यू रेशनलाइज कर ली, y की वैल्यू रेशनलाइज कर ली, फिर x स्क्वायर निकाला, फिर y स्क्वायर निकाला, फिर दोनों का प्लस कर दिया, आ गया आंसर। ये सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है, इसको हम करते हैं। देखो भाई अलग अलग रेशनलाइज कर लो, फिर प्लस माइनस कर देना सबको अलग अलग, मैं क्या कर रहा हूँ रेशनलाइज करूँगा सबसे पहले। तो भाई ले लो, इसको करना शुरू करते हैं भाई, हमें पता है बस साइन चेंज कर देने, क्या कर देना है साइन चेंज कर देना है, साइन चेंज कर देना है। इनसे मल्टीप्लाई हुआ तो ये हो जाएगा सेवन रूट थर्टी, दस गुना तीन, और यहाँ पे हो जाएगा सेवन इंटू थ्री हो जाएगा रूट थ्री रूट थ्री, इससे जब इस पूरे की मल्टीप्लाई होगी तो रूट थ्री क्या हो जाएगा थ्री, और ये ट्वेंटी वन हो गया ये, है ना। और यहाँ पे हो जाएगा टेन का स्क्वायर, या हम प्रोडक्ट ना करते रूट थ्री के प्रोडक्ट कर लेते हैं, क्या कर लें रूट थ्री से इसको इरेज कर देता हूँ मैं, पहले सिर्फ सेवन को बाहर रहने देता हूँ मैं,
क्योंकि मुझे दिख रहा है कि यहाँ 7 कट जाएगा, रूट 3 हो जाएगा, ए ए प्लस बी ए माइनस बी ये है ना, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 10 का स्क्वायर रूट 10 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 7 आ जाएगा। तो मैं 3 से करूँगा, 7 से नहीं करूँगा, तो 3 से मल्टीप्लाई करा तो ये 30 हो जाएगा रूट 30, और ये हो जाएगा माइनस रूट 3, रूट 3 7 कैंसिल आउट हो गया, ये कितना आ गया रूट 30 और ये 3। ठीक है, अब नेक्स्ट वाले पास हो गए, अगले वाले पोर्शन को हम करते हैं माइनस, बाद में हैंडल कर देंगे, रख देंगे माइनस में। स्लाइस करें इसको भी, इसमें भाई मुझे कोई फायदा नहीं थी मतलब भी दिख रहा है, क्योंकि रूट 6 का स्क्वायर होगा 6 हो जाएगा, रूट 5 का स्क्वायर होगा तो 5 हो जाएगा, तो 1 बचेगा, तो हमें पूरी मल्टीप्लाई कर देनी, इस पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो ये हो जाएगा भाई 2 और यहाँ पे हो जाएगा 30, ये भी हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस 2 ये 10 हो जाएगा, यहाँ पे हुआ 6 रूट रूट 6 का स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर 2 रूट 30, यहाँ पे 6 5, यहाँ पे 1 हो जाएगा, नीचे 1 हो जाएगा, हटाओ ये 1 को, 6 माइनस 5 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, हटा देंगे फिर, यस या नो। देखो ये बच गया इस वाले पोर्शन को, और सोल्व कर देते हैं और फिर उसके बाद क्वेश्चन फिनिश है एक तरीके से। देखो भाई रूट 3 रूट 2 अपॉन में रूट 15 प्लस है 3 रूट 2 है, देखते हैं भाई क्या दिया हुआ है, देख लेते हैं 3 रूट 2 यहाँ पे 15 प्लस 3 रूट 2, इसको रेशनलाइज करेंगे, मैं रेशनलाइज करते हैं, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, देखो इससे मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई हुआ तो भाई 3 रूट 30, और इससे करोगे तो क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, और 3 3 का हुआ तो 9 हो गया, और रूट 2 रूट 2 हो जाएगा तो 2 हो जाएगा, तो 9 18 हो जाएगा, ये यहाँ पे देखते हैं भाई, यहाँ पे देख लेते हैं भाई 15 का स्क्वायर इसका स्क्वायर, वैसे हमें 3 कॉमन ले लेना चाहिए या 3 से मल्टीप्लाई करना ही नहीं चाहिए था, ये 9 हो जाएगा 18 हो जाएगा, 3 से हमें मल्टीप्लाई ऊपर करना ही नहीं चाहिए था, तो हमने 3 से मल्टीप्लाई करना ही नहीं, हमें रूट 2 से ही करेंगे बस मल्टीप्लाई, अंदर 3 को तो बाहर रख दो, और रूट 2 से कर दिया तो ये रूट 30 हो गया, और ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो रूट 3 3 रूट 30 और ये 6 यहाँ पे हो गया 15, इस पर करेंगे तो हो जाएगा 3 का भी और इसका भी स्क्वायर 9 2 18 18 हो गया यहाँ पे 3
ये कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे वन आ गया सिक्स, यहाँ पे जो प्लस था वो माइनस हो जाएगा। माइनस को ऊपर शिफ्ट करेंगे तो भाई यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे ये माइनस था तो इसको प्लस में करें, क्योंकि ये जो माइनस है ना ये क्या हो जाएगा, डिवाइड होके यहाँ पे माइनस वन छोड़ देगा, तो माइनस वन से मल्टीप्लाई होगा तो ये सारी चीज़ें चेंज हो जाएंगी, ठीक है ना। ऐसे होगा, एक बार मैं क्लियरली आपको लिख के दिखा देता हूँ। क्लियरली लिख के दिखा देता हूँ क्या बचा यहाँ पे भाई। माइनस वन, जब भाई माइनस वन से मल्टीप्लाई करा तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस रूट 30 और यहाँ प्लस सिक्स, सिक्स माइनस रूट 30। अब देखो भाई हमें मिल गया कौन कौन सी चीज़ें, ये मिल गया, ये मिल गया और ये, ठीक है ना। देखो भाई रख देते हैं इन सारी वैल्यूज को एक साथ में, यहाँ पे रख दूँ मैं, इसी साइड में ही रख देता हूँ, यहीं पे रख देता हूँ इतने पोर्शन पे। क्या बचा है भाई, रूट 30 माइनस 3 और रूट 30 माइनस 3 फिर माइनस, क्योंकि भाई यहाँ पे क्या है माइनस का साइन है ना, माइनस का साइन, तो हमने माइनस का साइन रख दिया। और फिर क्या बचा, रूट टू रूट 30 माइनस 10 ब्रैकेट टू रूट 30 माइनस 10 और यहाँ पे माइनस फिर है, देखो ब्रैकेट खोलो, ब्रैकेट खोल देंगे तो सारे साइन अलग अलग हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, देखो ये और ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, बचा क्या माइनस 3 माइनस 6 प्लस 10 माइनस 9 प्लस 10 ये बचा 1। ओहो देखो इतना काम करवाया और बचा क्या, वन बच गया, ठीक है। थैंक यू भाई, नोट्स बनाते रहो, नोट्स ही बचाएंगे, ना कोई टीचर ना कोई बुक, ओनली नोट्स बचाएंगे आपको।